नमस्कार सभी को। आज हम ETPBMS में प्री काउंटिंग प्रोसेस किस तरीके से की जाएगी उसको आज समझेंगे। आपके द्वारा भेजे गए ETPBMS में तीन लिफाफे होंगे। आउटर लिफाफा जिसे सी लिफाफा कहा जाता है, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर का एड्रेस होगा, जिसे बाहरी लिफाफा भी कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा लिफाफा होता है जिसे डिक्लेरेशन फॉर्म कहा जाता है, जिसे कहा जाता है ए। तीसरा लिफाफा जिसे इनर एनवेलप कहा जाता है, इसे बी लिफाफा कहा जाता है, जिसके अंदर मतपत्र होता है। अब प्री काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए मतगणना दिवस के दिन प्रातः 8 बजे etpbms.eci.gov.in पर क्लिक करें। अब रिटर्निंग ऑफिसर का यूज़र नेम डालकर, कैप्चर डालकर OTP सेंड ऑप्शन पर क्लिक करें, जिससे रिटर्निंग ऑफिसर के नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। वेरीफाई OTP ऑप्शन पर क्लिक करें एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, जिससे कि आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहां पर लेफ्ट हैंड पर आपको प्री काउंटिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहां पर जो टाइमर चल रहा है यह 00 हो जाएगा, तब आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट करें। ETPBMS के लिफाफे को स्कैन करने में आपके पास कुछ परेशानियां आ सकती हैं। उन परेशानियों के अनुसार कुछ कंडीशंस बनेंगी। पहली है आइडियल कंडीशन, जिसमें आप तीनों लिफाफे सी ए बी को स्कैनर के माध्यम से स्कैन कर पाएंगे। इसके लिए स्कैन फॉर्म 13C जो कि ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, उस टैब पर आपको क्लिक करना है और अपना आउटर लिफाफे के QR कोड के ऊपर अपने स्कैनर से कुछ इस तरीके से स्कैन करना है, जिससे कि स्कैनर के माध्यम से जो एंट्री होगी वो आपको यहां पर ग्रीन कलर में दिखाई देगी, जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा है सक्सेसफुल स्कैनिंग कम्प्लीट। और उस लिफाफे को सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर इस लिफाफे को प्राप्त हो गया है। इसके बाद आपको इनर एनवेलप निकालना है फाड़कर, जिसे कहा जाता है 13A, जो कि एक डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसके अंदर दो QR कोड होंगे, उन QR कोड को आपको स्कैन फॉर्म 13A पर क्लिक कर अपने QR कोड स्कैनर के माध्यम से 1x1 स्कैन करना है, जिससे उसके सक्सेसफुल स्कैनिंग एवं वैलिड मार्किंग की एंट्री यहां पर हो जाएगी। सक्सेसफुली फॉर्म 13A के स्कैन होने के बाद स्कैन फॉर्म 13B पर क्लिक करेंगे। 13B जो कि हमारा इनर एनवेलप है, उसके ऊपर स्थित QR कोड को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करेंगे, जिससे स्कैन सक्सेसफुल होने पर उसकी वैलिड मार्किंग की एंट्री यहां पर हो जाएगी। तीनों लिफाफों के पीछे पेंसिल से सिस्टम जनरेटेड सीरियल नंबर लिखने के बाद उसे वैलिड वाली ट्रे में डालेंगे। कंडीशन 2, यदि आउटर एनवेलप का QR कोड स्कैनर के माध्यम से स्कैन नहीं हो पाता है तो हमें क्या करना है उसकी प्रोसेस हम जानते हैं। यदि आउटर लिफाफे सी का QR कोड स्कैन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में आपको आउटर लिफाफे को फाड़ना है और उसके अंदर एक लिफाफा डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, जिसे 13A कहा जाता है। उस 13A के ऊपर इलेक्टर का नाम होगा, उस नाम के माध्यम से हमें इस सर्च वाली टैब में उस इलेक्टर का नाम सर्च करना है। जैसे ही हम इलेक्टर का नाम सर्च करेंगे तो यदि वह वैलिड इलेक्टर है तो उसका नाम एवं एड्रेस हमें सर्च बॉक्स में दिखाई देंगे। जैसे ही वह सर्च बॉक्स में दिखाई देंगे उसे हम ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर वह ऐड हो जाएगा और उसे सिस्टम जनरेटेड सीरियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमें 13A पर जाना है और उसे नॉर्मली स्कैन कर लेना है, फिर इसी प्रकार 13B पर जाकर उसे स्कैन कर यहां पर ऐड कर लेना है। लिफाफे के पीछे सिस्टम जनरेटेड सीरियल नंबर पेंसिल से लिखकर उसे वैलिड और इनवैलिड अनुसार ट्रे में डाल देना है। कंडीशन 3, यदि फॉर्म 13A स्कैन नहीं हो पाता है। अब यदि तीसरी कंडीशन 13A स्कैन नहीं होता है तो सबसे पहले हमें 13C पर क्लिक करना है
और उसे नॉर्मली स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद जब हम लिफाफा ओपन करेंगे तो हमें 13A प्राप्त होगा। 13A पर क्लिक कर यदि हम उसे स्कैन करते हैं स्कैनर के माध्यम से और वो स्कैन नहीं हो पाता है तो हमें सबसे पहले एड इलेक्ट्रल मैन्युअली टेप पर क्लिक कर इलेक्ट्रल का नाम यहाँ पर डालकर उसे सर्च करना है। जैसे ही इलेक्ट्रल का नाम 13A के अनुसार हम यहाँ डालेंगे तो वह सर्च होकर आ जाएगा और उसे ऐड कर देना है। इसके बाद EPB ID जो कि 13A के ऊपर लिखी हुई है उसे इन बॉक्सों में लिखकर ऐड बटन पर क्लिक कर देना है जिससे कि वह इलेक्टर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर नॉर्मली 13B को स्कैन कर यहाँ पर ऐड कर लेना है जिससे उसे भी सिस्टम जनरेटेड एक सीरियल नंबर प्राप्त हो जाएगा। अब सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर 13A, 13B, 13C पर पेंसिल से पीछे लिखकर उसे वैलिड और इनवैलिड वाली बकेट में उनके अनुसार रखेंगे। कंडीशन 4, यदि 13B स्कैन नहीं हो पाता है तो क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले हमारा 13C है उसे नॉर्मली स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद 13A को स्कैन करें तथा आगे बढ़ें। 13A के दोनों QR कोड स्कैन होने के बाद 13B पर जाते हैं। यदि 13B को स्कैनर के माध्यम से स्कैन करने पर एड नहीं हो पाता है तो यहाँ पर दिख रहे बॉक्स में जो चार बॉक्स दिख रहे हैं उसमें 13B लिफाफे के ऊपर जो EPB ID लिखी है उसे डालकर ऐड कर देंगे जिससे वह यहाँ पर ऐड हो जाएगा और उसे एक सीक्वेंस नंबर प्राप्त हो जाएगा। सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर पेंसिल से लिख कर उसे वैलिड इनवैलिड अनुसार ट्रे में डाल देंगे। कंडीशन 4, यदि 13A फॉर्म इनवलप में मिसिंग हो तो क्या करना है। सबसे पहले 13C टैब पर क्लिक कर उसे नॉर्मली स्कैन करना है जिससे कि सिस्टम जनरेटेड सीक्वेंस नंबर यहां पर आ जाएगा और वह एज अ वैलिड सीक्वेंस नंबर दर्ज हो जाएगा। इसके बाद अब यदि सी को ओपन करने पर उसमें 13A फॉर्म प्राप्त नहीं होता है तो यहां पर 13A टैब पर क्लिक कर रीजन फॉर मैनुअली इंडिकेशन नॉट स्कैनिंग वाले ऑप्शन के टैब पर क्लिक करेंगे और फॉर्म 13A इज नॉट फाउंड टैब पर क्लिक कर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे जिससे कि वह फॉर्म यहां पर एज अ इनवैलिड ऐड हो जाएगा और उसके ऊपर रिजेक्ट लिखकर उसे इनवैलिड वाली ट्रे में डाल देंगे। अगली कंडीशन, यदि कोई लिफाफा हमें डबल प्राप्त हो जाता है और यदि हम उसे स्कैन करते हैं तो क्या कंडीशन रहेगी। यदि हमने किसी लिफाफे के 13C को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद यदि वहां पर डुप्लीकेट इंडिकेशन आ जाता है जैसे कि मैंने यहां पर एक स्कैन किया तो यह वाला लिफाफा मेरे पहले वाले लिफाफे का डुप्लीकेट है तो इस कंडीशन में यहां पर डुप्लीकेशन का इंडिकेशन आ जाएगा और मेरे दोनों लिफाफे 1 और लिफाफा 5 दोनों ही रिजेक्ट की सिचुएशन में चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमें उसे स्कैन नहीं करना है और 1 और 5 दोनों को रिजेक्ट कर देना है। एक और कंडीशन यह हो सकती है कि एक 13C आप स्कैन करते हैं और स्कैन करने पर एक मैसेज फाउंड होता है नॉट इशूड बाय द सिस्टम, मतलब ऐसा कोई भी पोस्टल वैलिड आपके द्वारा इशू नहीं किया गया और वो आपको प्राप्त हो गया है तो वहाँ यहाँ पर दर्ज हो जाएगा और उसे आपको इनवैलिड लिखकर इनवैलिड वाली ट्रे में डाल देना है। यदि आपका 13B ही इनर इन्वेलप में मिसिंग रहे तो क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने QR कोड स्कैनर के माध्यम से 13C को स्कैन करें, उसके बाद 13A को स्कैन करें। 13A के दोनों QR स्कैन होने के बाद जब आप 13B के टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में एक टैब दिखाई देगा, उस टैब के अंदर बी इज़ मिसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ऐड कर दें तो वह जो बी है वह रिजेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा और उसकी एंट्री एज अ इनवैलिड मार्क हो जाएगी। प्री काउंटिंग में स्कैनिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद नीचे आकर स्कैनिंग कंप्लीट वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो एक
बॉक्स खुलकर आएगा और उस बॉक्स में हमें दो फिगर ऐड करने हैं, टोटल बैलेट रिसीव्ड टिल 8 AM, दूसरा है टोटल बैलेट रिसीव्ड आफ्टर 8 AM, 8 बजे के पहले और 8 बजे के बाद कितने कितने लिफाफे हमें प्राप्त हुए उनकी जानकारी अलग अलग टेप में डालकर मार्क स्कैनिंग कंप्लीट टेप पर क्लिक कर देना है, जिससे कि प्री काउंटिंग की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। मार्क स्कैन कंप्लीट करने के बाद आप दोबारा पोस्टल बैलेट को स्कैन नहीं कर पाएंगे। स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके द्वारा वैलिड और इनवैलिड ट्रे को आरओ की काउंटिंग टेबल पर पहुंचा देना है। इसके बाद उनकी काउंटिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी।